इंडिया में ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है और जब ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है तो उसे वही प्राइस पे करना होता है जो सबके लिए तय है, चाहे वो बंदा अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में ट्रैफिक पुलिस बंदे की इनकम के हिसाब से चालान काटती है। मतलब अगर आप 20,000 महीने के कमाते हो तो आपको 200 रुपये चालान देना है, अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 2,000, 20 लाख कमाते हो तो 20,000। कभी कभार वहां के करोड़पति अरबपतियों को 1 करोड़ रुपये का चालान भी देना पड़ गया है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा रूल एप्लीकेबल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर सड़क किनारे आपने ये देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैर कानूनी है। RTI से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता।